غلام قادر بٹ देखिए जो फार्म फॉरेस्ट्री कंपोनेंट है, दिस इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है आज, इसमें हमारा टारगेट है 125,000। तो फर्स्ट गो में हम 85,000 प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें मेनली हम मेल पॉपुलर प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द फार्मर्स। तो इसका ये हमारा मकसद है कि लोग अवेयर हो जाएं, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए लोगों में कर रहे हैं बिकॉज ये जो पॉपुलर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें कमर्शियल फ़ायदे भी हैं एंड नॉन कमर्शियल भी है। कमर्शियल में जब लोग इसको अपने प्राइवेट लैंड्स में ग्रो करेंगे तो टिम्बर उनको मिलेगा, तो इकनॉमी इंक्रीज होगी उनकी। एंड नॉन कमर्शियल में सॉइल की जो फर्टिलिटी है इंक्रीज होगी, एंड ऑब्वियसली एनवायरमेंट के लिए इट्स गुड। तो क्या का टारगेट जो है हमारा फार्म फॉरेस्ट्री में, दैट्स 1,25,000, लेकिन फर्स्ट फेज में हम 85,000 कर रहे हैं अभी। तो हाँ जी, देखिए ये जो सीज़न है हमारा, दिस इज़ द जो स्प्रिंग आ गया है, तो हमारी प्लांटेशन मेनली इसी में होती हैं। अभी वर्ल्ड प्लांटेशन डे भी आ रहा है 21 मार्च नवरोज़। तो मेरी मैसेज यही है लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जहाँ पे भी स्पेस मिले घरों के बाहर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, और इस जो अनंतनाग टाउन है इसको ग्रीन बनाएं, और हमारे साथ ताउन करें, हाथ मिलाएं हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। ये इलाके, इस इलाके के लिए, ये मोहम्मद शफी मलिक है, मैं जबलीपुरा से रहता हूँ। ये मोमन डांजी जो नर्सरी है, ये इस इलाके की मानो रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि जो ये इलाका आता है ये सैलाबी इलाका आता है, जहाँ बागात ना है ना कुछ है। हमारा जो रहन सहन है और हमारी जो इकानमी है वो दरख्तों पर है। हम खाली ज़मीन में दरख्त लगाते हैं जिससे हमारी इकानमी बेहतर होती है, लेकिन मोमन डांजी का इसमें बहुत रोल है। इसने हमें तरगीब भी दी है और पौधे भी फराहम किए, क्योंकि हमारी ज़मीन को इसके बगैर कुछ नहीं आता है। हम फ्रूट के दरख्त लगाएंगे लेकिन वो यहाँ नहीं चलते हैं, यहाँ सिर्फ से सफ़ेदा है या बेद की लकड़ी है। ये हमें ऐसी मोमन डांजी नर्सरी की ही बदौलत मिली है। जो ये इलाका है इसमें इकानमी में, इस मोमन डांजी नर्सरी का इस इलाके की इकानमी में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसी यहाँ से ही हमें जो ये सफ़ेदा दरख्त है, पहली हमें यहाँ से ही इसकी दरियाफ्त हुई है। उन्होंने ये दरियाफ्त किया और इस इलाके में लगा। आप देखेंगे कश्मीर में सबसे ज़्यादा तुम इसी बेल्ट में देखेगो, कम से कम ये आरवनी जो नयाबत आती है ये 50 गांवों पर मुश्तमिल है। इसमें खाली आप सफ़ेदा के दरख्त ज़्यादा देखोगे और बाकी दरख्तों के मुकाबले में। ये सिर्फ रोल है मोमन डांजी नर्सरी का, से बैट भी बनते हैं, लकड़ी भी एक्सपोर्ट होती है, जो जम्मू भी जाती है, यहाँ भी पेंसिल बनती है। बाकी सबसे मेरे ख्याल में 90% जो सफ़ेदा की लकड़ी है वो इस इलाके में होती है, और इसका सबसे बड़ा सहरा जो जाता है वो मोमन डांजी नर्सरी को जाता है। प्लांटेशन के हवाले से सोशल फॉरेस्ट्री का बहुत अहम रोल है, क्योंकि हमारे पास जो हमारी ज़मीन बेकार ज़मीन है, इसमें हम दरख्त लगाएं जिससे हमारी इकानमी बूस्ट होती है। और दरख्त अब मोमन डांजी वाली नर्सरी ने यहाँ तैयार किया है, जिससे हमें मदद मिलेगी। अगर हम खुद बनाते हैं उसमें टाइम लगता है, लेकिन उन्होंने हमें बना के दिया है, हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और ये हम कम वक्त में इसको बेचने के काबिल हो जाएंगे।